आजकल जो है सियासत काफी ज्यादा गरमाई हुई है। हाल ही में देखिए, अगर राहुल गांधी के केस की अगर बात करें तो उसमें भी उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया गया है, यानी कि मोदी के खिलाफ उन्होंने कुछ बोला था जिसके ऊपर जो है उन पर कड़ी कार्रवाई की गई, उसके बाद जो है उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया गया। कुछ दिन पहले की अगर मैं बात करूं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुछ होर्डिंग्स ऐसी लगी हुई थी, कुछ बैनर्स ऐसे लगे हुए थे जिस पर जो है मोदी के खिलाफ कुछ लिखा गया था, और फिर उसके बाद कार्रवाई करते हुए जिन लोगों ने ये सारी होर्डिंग्स लगाई थी उनके खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई करने के आदेश भी जारी कर दिए गए थे। और देखिए, अब हिमाचल प्रदेश में भी ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है जिसमें कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने आ चुकी है, यानी कि देख सकते हैं कि मोदी के पीछे जो है कांग्रेस हाथ धोकर अब पड़ चुकी है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की फोटो लगा दी गई है जहां पर पहले नरेंद्र मोदी की फोटो लगती थी। क्या ये पूरा मामला है उसकी जानकारी आपको देते हैं। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में बच्चों को सीएम सुक्खू की फोटो लगे बैग बांटे जा रहे हैं, और इस पर जिला मुख्यालय चंबा के भाजपा नेताओं ने विरोध भी दर्ज करवा दिया है, यानी कि विरोध उन्होंने जताया है। उसमें जो चंबा के पूर्व विधायक है, यानी कि भाजपा के जो विधायक थे पवन नैयर, ने यह मामला दर्ज करवाया है। उन्होंने बीआरसीसी कार्यालय पहुंचकर स्कूली बैग पर लगे मुख्यमंत्री की फोटो को लेकर शिकायत दर्ज करवाई है, यानी कि पहले जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो लगी होती थी और उसी के ऊपर स्टिकर लगाकर जो है मुख्यमंत्री की यानी कि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के यहां पर फोटो को जो चिपका दिया गया है। विरोध, उन्होंने कहा है कि विरोध इस बात का नहीं है कि मुख्यमंत्री की फोटो को क्यों लगाया गया है, उनका बस ये कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो को हटाकर जो है मुख्यमंत्री की फोटो लगाई गई है। उन्होंने कहा है कि पूर्व चंबा विधायक ने जिला प्रशासन से मांग की है कि जिस किसी ने इस कार्य को अंजाम दिया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो है फोटो हटाकर मुख्यमंत्री की फोटो लगाने के जो है आदेश दिए है उसके खिलाफ तुरंत प्रभाव से कार्रवाई अमल में लाई अब जानी चाहिए। भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ जो है बीआरसीसी कार्यालय के सामने बनी कोठी में पहुंचकर विधायक ने तुरंत इस स्कूली बैगों की खेप को भेजने पर रोक लगाने की अब उन्होंने मांग की है, और पूर्व विधायक ने कहा है कि बेहद ही ज्यादा अफसोस की बात है कि केंद्र सरकार के फंड से हिमाचल के बच्चों को मुफ्त में स्कूली बैग जो है मुहैया करवाए जाते हैं, लेकिन कांग्रेस ने सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए प्रधानमंत्री की छपी फोटो पर मुख्यमंत्री के स्टिकर अब लगा दिए हैं। आप देख सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में भी अब ऐसी चीजें होने लगी है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ ही कांग्रेस अब देखी जा सकती है कि जो फंड केंद्र सरकार से आता था, स्कूली बच्चों के लिए जो फंड आता था, उसी पर अब जो है मुख्यमंत्री की फोटो लगा दी गई है, यानी कि जो भी बैग्स उस फंड के लिए जो बैग्स की जो है रखे गए हैं, पैसे जो रखे गए हैं उस पर जो है अब कहा गया है कि मुख्यमंत्री की फोटो लगाई गई है क्योंकि यहां पर स्टिकर लगाया गया है। तो आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो है कांग्रेस किस तरह अब हो चुकी है। उन्होंने कहा है कि भाजपा प्रशासन से ये मांग की गई है कि इस पूरे मामले की जांच करे, और जिस किसी के आदेशों पर ये कार्य किए जा रहे हैं उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई अब अमल में लाई जानी चाहिए, और उनके खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई करने की मांग जो है यहाँ पर पूर्व विधायक ने की है। चंबा से जो पूर्व विधायक है पवन नैयर ने ये शिकायत दर्ज करवाई है कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई की जानी चाहिए, और जिसने भी ये आदेश दिए हैं मुख्यमंत्री की फोटो लगाने के उन पर जो है सख्त से सख्त कार्रवाई करके इस मामले को पूरी तरह से सुलझाना चाहिए और वापस जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो को लगवा देना चाहिए। और इस मामले में क्या क्या और नए अपडेट्स आते रहेंगे नेशन स्पीक्स आप तक पहुंचाने की पूरी पूरी कोशिश करता रहेगा, लेकिन तब तक के लिए आप बने रहिए नेशन स्पीक्स के साथ।